ओ भाई और बहनो, इस शोरूम से हम लोग के घर में एक नया सा मेहमान आने वाला है। अक्सर ही साथ के रंग फ्रेंडशिप डे में कोई है नहीं भाई, पूरा की पूरा नंगा है। देखो पूरा की पूरा रोड नंगा है कोई। तो मैं आप लोग को एक दिखाना चाहता हूँ, अपना खास रोड है जो डिफेंस पे आ रहा है। डिफेंस के बाहर में छोड़ मोदरापुर में मेरा दोस्त लोग यहाँ पे कुछ बातें करेगा जो आपका जो इवेंट है इसके बारे में। तो अभी मैं निकलना पड़ेगा क्योंकि ये बारिश भी आज का जो मौसम बता नहीं, दो या तीन दिन से एकदम बारिश कुछ हो रहा है भाई। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं घर से निकल पड़ा और मैं घर से निकलते ये वाला बारिश भी हो गई। देखो गाइस ऊपर में सब के सब काला बदल हो गया रे, सब मेरा ही नसीब होता है। मैं जिना भी मैं बाहर में जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ ना, बारिश भी हो जाता है भाई। ऐसा मौसम में मैं निकल पड़ा कि मतलब क्या ही बोलूं यार। और एक चीज मैं मानना पड़ेगा यार, जो वर्षा के सीजन पे वेदर जो ऊपर का जो वेदर है बहुत ही काफी सुंदर है यार। कितना सुंदर है मतलब आप लोग देख ही सकते हो ऊपर में कितना सुंदर। देखो और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं बकरी होते हैं ये तो बहुत ही शैतान है भाई कसम से। ये जब गाड़ी वाली चलाते ना हम लोग गाड़ी या पिछवाड़े खींच रही है गड्डी के अंदर में घुस के लोगों को एंजॉय करते हैं। गोप्रो होता तो क्या मजा आता है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा उसके बाद में भोंके भोंके चला जाऊंगा। वाह 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 करके क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है व्हाट मैन। मुझे जल्दी के जल्दी एक कोई गिफ्ट दे दो यार गोप्रो, मुझे गोप्रो का बहुत ही भयंकर जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे पास गोप्रो होता तो मजा आता, मेरा हेलमेट में लगाएगा उसके बाद में भोंके भोंके जाएगा। तो यहाँ पे पकड़ने में मजा नहीं आता क्योंकि कभी क्या होती है किसी अपनी हो जाए ठीक है, कभी गाड़ी गुस्सा जाए उस टाइम पे मेरे मोबाइल को छोड़ना पड़ता है। नहीं वेदर सही नहीं है पर देखने में मजा आता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। देखो ऊपर की पूरा सुंदर लगता है, पूरा ऊपर में ब्लैक नीचे में हरियाली और साइड में रोड देख रहे हो ना, ये होता है हम लोग का सिलचर। और बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे हैं भाई मोबाइल पकड़ के, ऐसा ना मुझे अजीब लगता है। अजीब तो मैं खुद को अजीब तो नहीं लगता पर वो लोग देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अलग सा काम कर रहा हूँ। और नेचर भी बहुत ही अजीब है यार, हम लोग गाँव में इतना बारिश पड़ा हुआ है और यहाँ पे आने के बाद देखो यार पूरा की पूरा खाली है। देखो रोड एकदम एक भी बिगा नहीं, सिर्फ साइड उस तरफ थोड़ा बहुत बिगा हुआ है और इस तरफ तो पूरा की पूरा चाय है भाई। पर हम लोग गाँव में पूरा की पूरा ऊपर चले के नीचे बिक गए क्योंकि हम लोग गाँव में कुत्ता की बारिश हो रहा है भाई। कोई बात नहीं ऐसा तो होता है क्योंकि ये नेचर होता है, भगवान के ऊपर भगवान का सब किसे भाग है। यहाँ पे पहुंचने के बाद मैं ब्लॉग बनाऊंगा, यहाँ पे ब्लॉग बनाने का मन करते क्योंकि मैं दबा के जाऊंगा, बारिश हो गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया अपना डेस्टिनेशन पे और चेक दिस आउट गाइस, यहाँ पे नो पानी नो वाटर और ऊपर में ओनली ब्लैक ब्लैक कलर। अब तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। पर मेरा मोहतरमा कल ही धोया था, देखो क्या हालत हो गया। आजकल के मौसम के सीजन में क्या होता है कि ऐसा ही ऐसे हालत, आज धो गया तो कल ही खराब हो जाएगा भाई। हम लोग पहुंच गया भाई ऊपर में पूरा की पूरा काला बादल हो गया, थोड़ा देर बाद हम लोग होने वाला है बारिश बहुत ही तेज वाला। अभी हम लोग पहुंच गए, हम लोग लोंडे लोग आ गए देखो, अभी अंदर में जाऊंगा उसको मीटिंग करूंगा, उसके बाद हम लोग आज फ्रेंडशिप डे के लिए बाहर में जाऊंगा घूमने। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने लोंडे के नाइस ऊपर में ओके। साथ ही साथ हम लोग फ्रेंडशिप डे का आज कहाँ कहाँ पे घूमने जा रहे थे, थोड़ा देर बाद हम लोग जा रहे टाउन पे कुछ सामान लेने। क्या सामान लेने जा रहे भाई लोग मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ का नजारा देखो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं ब्रिज में, ये नया ब्रिज है, ये वाला उस तरफ वाला पुराना ब्रिज है वो टूट चुका है, ये नया वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला नया है, ये वाला पुराना वाला नया है। तो ये वाला जो ब्रिज है सॉरी उस तरफ वाला ब्रिज है ना, हम लोग बचपन में हम लोग जाया हुआ करता था पर ये इसको बड़ा हो गया बुढ़ा हो गया वो अभी मर गया ठीक है, और नया गया हुआ करता था। कैसा हंसता है। हम लोग गड्ढे लेके क्यों जा रहे पता है, एक ही रीजन की वजह से हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहता, बारिश अगर यहाँ पे बारिश हो गया तो हम लोग बुखार हो जाएगा, बुखार हो गया तो ब्लॉक्स नहीं आएगा और ब्लॉक्स नहीं आएगा ऑटो नहीं हंसेगा, दैट्स द रीजन बिहाइंड। ओह माय गॉड। और यहाँ पे गरीब और बेरोजगार लोग गड्ढी लेके जा रहे, देखो हम लोग नशीपुर लेके जा रहे भाई, इतना अमीर है हम लोग क्या ही बोलो उसका नशीपुर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है भाई, उसके पास नाइट सुपर है, उसके पास BMW है, उसके पास घोड़ा है, उसके पास डोगी है और डोगी स्टाइल भी है। क्या बोला तूने? और डोगी स्टाइल भी है। तो हेलो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए, हम
लोग डेस्टिनेशन पे अभी हम लोग जाएगा क्लास में, क्लास में जाने के बाद थोड़ा बातचीत करेगा, उसके बाद हम लोग निकल जाएगा उस तरफ घूमने के लिए, ठीक है ये ना सुपर में, चलो निकलते जाते हैं। ओह माय गॉड, आज का वेदर घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट वेदर है भाई, अगर बारिश नहीं हुआ तो और भी मजा आएगा, अगर बारिश हो गई तो पोपट हो जाएगा, इतना अमीर लोग है ना वो लोगों के सामने हम लोग कुछ भी है ही नहीं भाई, बहुत पैसा है, पैसा मतलब बहुत पैसा है हम लोग पास। और बराबरी डांसर गाइस, ये देखो हम लोग का सिलचर का ऑडिशन होने वाला है, पता नहीं कब होगा कहाँ पे होगा, आप लोग को डिटेल्स फेसबुक पे जाके देख लेना, जो मैंने एडवर्टाइज किया था जाके देख लेना, ठीक है लेट्स गो, पहुंच गए हम लोग। तो हेलो मित्रों, अभी हम लोग घूमने के लिए निकल पड़ा है और यहाँ पे देखो गाइस हम लोग पूरा हाईवे का बीचों बीच में हम लोग कुछ सामान वामान ले रहे हैं और जाके हम लोग आज तो मजा आएगा भाई, हम लोग पूरा एकदम भयंकर तरीके से आप लोग इंजॉय करेगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों के बाद ऐसा हम लोग मीटअप हो रहे हैं, ठीक है तो अभी जाके देखते हैं। भारी भारी हो गया पूरा की पूरा, देखो पूरा भीग गया ना, अगर बाइक में जाने तो बहुत रिस्क है, पूरा की पूरा भीग जाएगा, तो इस कारण की वजह से हम लोग गड्डी लेके जा रहे हैं वो भी नेक्स्ट सुपर में, लेट्स गो। और यहाँ पे क्या सीन होता है देखते हैं भाई जाके, आप लोगों को पता चलेगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा, ठीक है लेट्स गो गाइस। तो भाई और फिर इस शोरूम से हम लोग के घर में एक नया सा मेहमान आने वाला है, वो मेहमान कब आएगा वो आएगा वो तो बाद में पता चलेगा, मेहमान तो आने वाला है, लिख के देता हूँ कोई नहीं आएगा। जीवन काटे तो मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहता हूँ, अपना खास लौंडे जो डिफेंस में आ रहा है, डिफेंस के बाहर में छोड़ के छुए नहीं है, अपना लौंडे है, हम लोग का डांसमेट है, अभी अपना डिफरेंट प्रोफेशन में चला गया, बहुत खास दोस्त है भाई, बहुत पुराना दोस्त है भाई, मिलके अच्छा लगा, बहुत सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं भाई, क्या बोलूं अभी, मन कर रहा है भाई चुम्मा ले लूं भाई। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बचपन में हम लोग साल में डांस हुआ करता था, पर डांस करते एक ही स्टेट में हम लोग डांस किया, पर ऐसे छोड़ भाई होते होते रहते, पर यहाँ पे पता नहीं कौन कौन क्या क्या बातें कर ले, और एक लौंडा तो अंदर में घुस गया सो रहा है पता नहीं, पर आज के इतना खूबसूरत वेदर में बहुत सारे लोग डांस भी कर रहे यहाँ पे और मजा भी लूट रहे, पर इतना खूबसूरत वेदर में कौन सोता है भाई, अंदर में देखो इतना सो रहे हैं बंदा लौंडा, पर ये देखो गाइस कितना भयंकर वेदर है, देखो देख रहे हैं लौंडे देख रहे हो ना, वाह कौन कौन यहाँ पे भाग भाग कर रहे हैं पता नहीं, पूछते देखो बारिश वारिश हो रहा है मेरे को नहीं पता, ऐसे तो बाहर में जा, और आज का जो हैप्पी फ्रेंडशिप डे, एक बार चिल्लाएगा ठीक है, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, यही है भाई तुम लोग जितना भी खुश हो, वन लास्ट मोर, हाँ वो बोलो 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 जो भी बोलो बोलो, हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय मुक्तान फैमिली, जो लोग भी फ्रेंडशिप है उसको एकदम इंतजार किया बोले उसको, अच्छे से रहो खुश रहो, जो लोग भी करना है अच्छे से रहो भाई, पर ये देखो भाई आज का जो फ्रेंडशिप वेदर डे में, सॉरी फ्रेंडशिप वेदर डे बोले, फ्रेंडशिप डे में कोई है नहीं भाई, पूरा की पूरा नंगा है, देखो पूरा की पूरा रोड नंगा है, कोई है नहीं, क्योंकि एक ही रीजन है बारिश होने की वजह। तो गाइस देखो यार फोटो खींचने के लिए एक बंदा को हम लोग यहाँ पे रुका रहा है, चलो हम लोग यहाँ पे फोटो खींचेगा, चलो आ जाना हम लोग यहाँ पे फोटो खींचेगा, ठीक है आ जा मैं उस तरफ रहूंगा, चलो हम लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं थंबनेल के लिए, अच्छा आ रहा है क्या? तो वह थोड़ा मूड खराब कर दिया लगा तो ओ भाई मस्त लग रहा है, बढ़िया थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच जा जा। यहाँ पे हम लोग यकीन नहीं करोगे, फोटो खींचने के लिए एक बंदा यहाँ से आ रहा है, हमने रुका के उसको फोटो खींचा रहे, फोटो खिंचवा रहे हैं हम लोग, अलग ही लेवल है हम लोग, हम लोग यहाँ भी निकलते हैं मित्रों, अभी मैं आप लोग को एक गाना सुनाने वाला हूँ, बहुत ही मेरा खास गाना है, अरे सुना हुए वो भी गीतर का साथ, ठीक है शाइनिंग इन द छेरे छारे पोल अपॉन द ओशन कम ऑन फील, अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है, ओ ऐसे तो मन में न पहले की रातों में अक्सर ही साथ के हर गया, वगैरह से सब कुछ खत्म हो गया, अभी मैं जाने का टाइम हो गया क्योंकि आप लोग लेट हो चुका है, तो यहाँ से निकल जाते हैं और मिलते हैं दादा जी सीधा घर पे, ठीक है। तो गाइस मैं अभी मैं घर में पहुंच गया और मेरे हेलमेट तो बाहर में रख के आ गया रे भाई, ये अभी गए देखो
बंद कर दिया पता नहीं कौन कौन है अंदर पे। अरे यार मैं गिर गया। अरे ये भगवान ही भगवान टूट गया क्या? कहाँ चला गया? देखो ना, तो अभी मैं अंदर में घुस गया गाइस। तो आज अभी भी बारिश भी हो रहा है, आप लोग देख रहे थे मेरा मुंह पे पानी वानी गिर रहा है। तो आई होप आज का ब्लॉग यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मुझे भोगने का मन नहीं कर रहा या भोगने का कुछ भी कर नहीं कर रहा, क्योंकि एकदम हालत खराब हो गया, ऊपर से मैं नींद भी आ रहा। ठीक है, तो आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि आप लोग कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का ब्लॉग वहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए हैप्पी फ्रेंचाइज डे मुक्ताजोन फैमिली।